सर मनु शर्मा जी हमारे बीच में है। शहर तो परिचित है, शहर में राजस्थान भी परिचित है आपसे। तो आज अपने वक्तव्य में मनु जी पूरी सहजता से हमें ये बताएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे अपने अर्थों में, जिस तरह ये सोचते हैं कि क्या सवाल की भी कोई संस्कृति होती है, कोई कल्चर होता है, सवाल क्या होता है और सवाल की अपनी गति क्या है। ऐसे गूढ़ प्रश्नों का उत्तर भी हमें संभवतः सुनने को मिलेगा। तो मैं आग्रह करता हूं दर्शक से, मनु शर्मा जी से, प्लीज आप। साथियों नमस्कार, और अभी सक्सेना जी जिस तरह से आज के इस संवाद कार्यक्रम की रूपरेखा आपके सामने रख रहे हैं, उस के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सवालों की संस्कृति है या प्रश्नों की संस्कृति है, क्या वो हमारे समाज के अंदर, किसी जमाने के अंदर जीवित थी और आज हमें दिखाई नहीं पड़ रही है? इसका एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि क्या इस तरह की संस्कृति कभी रही ही नहीं, और उस संस्कृति के हमारे समाज के अंदर विकसित होने की हमें आज जरूरत महसूस हो रही है? मैं समझता हूं कि ये ऐसा नहीं है। हमारे समाज में प्रश्न करने की जो प्रवृत्ति है, उसकी तो शुरुआत ही बहुत पहले हो जाती है। हकीकत के अंदर अगर मैं ये कहूं कि भारतीय चिंतन परंपरा का प्रतिफल ही प्रश्न है, अगर प्रश्न करने की इच्छा नहीं हुई होती तो इस देश के अंदर चिंतन परंपरा का विकास ही नहीं होता। मैं इस बात को इस तरह से ही रखना चाहूंगा कि जब हमारे यहां शुरू के अंदर आप सब लोगों ने एक धारावाहिक जरूर देखा होगा, भारत एक खोज, देखा होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके ऊपर मशहूर फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल ने एक धारावाहिक बनाया था भारत एक खोज। उस धारावाहिक के प्रारंभ में जो एक कविता सुनने को मिलती है हमें, उस कविता पर अगर आप गौर करेंगे तो वह कविता ऋग्वेद के नासदीय सूक्त का अनुवाद है, जिसमें अच्छा आप देखिए ये जो है, ये जो नासदीय सूक्त है, ये अपने आप में ही एक प्रश्न है। नासदीय का मतलब नय असतीय, वो कहलाता है नासदीय, यानी जो असत
नहीं है, लेकिन क्या सत्य है? अब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल था कि अगर वो असत नहीं है तो क्या सत्य है? नहीं, ये भी नहीं। इसीलिए कहा हमारे यहां ऋषि ने कहा कि पता नहीं कौन था, क्या था, कैसा था, कब था, आकाश भी नहीं था, जल भी नहीं था, वायु भी नहीं थी, तब कौन था और वह क्या था जिससे कि सृष्टि अस्तित्व में आई? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये छोटा मोटा प्रश्न नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो प्रश्न की प्रवृत्ति है, ये प्रश्न की प्रवृत्ति तो वहां से चली आ रही है हमारे यहां, और उसके बाद आगे जाकर के जब वही ऋग्वेद का ऋषि ये कहता है देवानाम यथा पूर्वे असतम सतम अजायते, यानी असत से सत की उत्पत्ति हुई है, देवताओं से पहले असत से सत की उत्पत्ति हुई है। कौन कहता है कि भारतीय परंपरा भौतिकवादी चिंतन से प्रेरित नहीं हुई? ये सीधे सीधे ये जो मंत्र है, इस मंत्र का जो हिस्सा है वो ये कहता है कि भौतिक तत्व से असत से सत की उत्पत्ति हुई है, भौतिक तत्व से चेतना उत्पन्न हुई है देवानाम यथा पूर्वे देवताओं से पहले। इसका मतलब वो लोग ये बात जानते थे, इस बात को महसूस करते थे और निरंतर उनके मन में इस तरह के सवाल पैदा होते रहते थे। अब सामने कोई प्रतिपक्ष तो नहीं था जो उसका उत्तर देता, तो खुद ही अपने आप से सवाल करते और खुद ही उनका उत्तर खोजते। ये परंपरा बहुत लंबे समय तक हमारे यहां पर जारी रही, बहुत लंबे समय तक, और दुर्भाग्य से 8वीं शताब्दी का समय ऐसा आया, वो समय एक तरह से शंकराचार्य का के प्रभामंडल का समय, 8वीं शताब्दी का समय शंकराचार्य के प्रभामंडल का समय था, और उस समय ये कह दिया गया एको अहम द्वितीयो नास्ति, एक मैं ही हूं दूसरा नहीं। तो जब आप किसी एक को ही सब कुछ मान करके चलने लग जाएं और दूसरे की सत्ता को स्वीकार नहीं करें, वहां पर प्रश्न संस्कृति का लोप होने लग जाए, वहां से प्रश्न पूछने की जो परंपरा है उस परंपरा को आघात लगता है। भाई सब कुछ एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरे की सत्ता ही नहीं है, दूसरे को आप मान ही नहीं रहे हैं, तो फिर प्रश्न किसके बारे में पूछा जाएगा, किसके लिए पूछा जाएगा? उस एकमात्र को आप स्वीकार कर दीजिए। और यहां तक कह दिया गया हमारे यहां कि संशयात्मा विनिश्चिति, जो संशय करता है वो नष्ट हो जाता है। गीता के अंदर कहा गया संशयात्मा विनिश्चिति, तो जो संशय करना है वो क्या अपराध है? संदेह करना अपराध है क्या? मैं संदेह क्यों नहीं करूं किसी के ऊपर? लेकिन वही बात कि आप जब एक किसी ऐसी सत्ता को स्थापित करना चाहते हैं
आप किसी एक ब्रह्म को स्थापित करना चाहते हैं, आप किसी एक ईश्वर की अवधारणा को स्थापित करना चाहते हैं, तो फिर ये इस तरह की जो वैचारिक कवायद है वो वैचारिक कवायद समाज के अंदर चल निकलती है और उसका नतीजा ये निकलता है कि समाज अंधश्रद्धा, अंध आस्था, अंधभक्ति का शिकार होता चला गया और ऐसे समाज के अंदर फिर जो सवाल करने वाला है उस सवाल करने वाले को यह समझा जाता है कि ये तो विद्रोही है, ये विरोधी है, चारवाक के साथ में यही हुआ। जबकि चारवाक को चारवाक भी उस वो जो हमारे यहां पर ऋषि परंपरा है उस ऋषि परंपरा का ही हिस्सा है और चारवाक को एक भौतिकवादी ऋषि के रूप में हमारे यहां पर स्वीकार किया गया है। और अकेले चारवाक नहीं है, चारवाक से पहले ऐसे लोगों की पूरी एक सूची हमें उपलब्ध होती है जिसकी शुरुआत देवताओं के गुरु बृहस्पति से मानी जाती है। वो भी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा बोले ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं होती। बृहस्पति पहले व्यक्ति थे, उसके बाद में बहुत लोग हुए, उसके अंदर वो भील हुए, हारित हुए, उसके अंदर जो है वो अजीत केश कंबली हुए, पूरण कश्यप हुए, संजय निगट हुए, तो ऐसे बहुत से लोग हैं और आगे चल करके गौतम बुद्ध और महावीर भी उसी परंपरा में आते। तो ये जो पूरी की पूरी परंपरा है वो प्रश्न करने वाले लोगों की ही परंपरा है जो प्रश्न कर रहे हैं। तो वो जो प्रश्न करने वालों की जो परंपरा थी वो चूंकि निरंतर समृद्ध हो गई थी, निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही थी, ऐसी स्थिति के अंदर उस परंपरा के ऊपर एक कैप लग जाती है आठवीं शताब्दी में आकर के, और वो कैप जो है वो हमें दिखाई पड़ती है कई बार। फिर दूसरी बात ये होती है कि जो लोग सत्ता के अंदर होते हैं वो तो कभी ये नहीं चाहते कि समाज के अंदर प्रश्न करने वालों की का जो समूह है वो समृद्ध हो, प्रश्न करने वाले लोग समाज में ज्यादा से ज्यादा बढ़े, ये कभी नहीं चाहती कोई सत्ता नहीं चाहती, चाहे कोई भी उसका चरित्र है, क्योंकि वो ये जानते हैं सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग कि जब आप प्रश्न करेंगे तो इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि सत्ता के द्वारा जो नीतियां, जो शासन पद्धति, जो विचार थोपा गया है या चलाया गया है, आप उस विचार, उस नीति, उस पद्धति का विरोध कर रहे हैं, उसके प्रति आपकी असहमति है, प्रश्न असहमति से करना होगा। आप किसी चीज को जब स्वीकार नहीं करते, आप किसी चीज से जब असहमत होते हैं तो प्रश्न पैदा होगा, सवाल पैदा होगा। अब बात यह है, अगर मैं जॉर्ज बायरन का एक कथन है उसका हवाला यहां देना चाहता हूं। वो जॉर्ज बायरन ये कहते हैं कि तीन तरह के लोग होते हैं, एक वे लोग है जो जिनके मन में प्रश्न पैदा भी होते हैं, प्रश्नों को समझते भी हैं, लेकिन जानबूझ करके प्रश्न नहीं करते, वे पाखंडी होते। दूसरे वे लोग होते हैं जिनके मन में प्रश्न तो पैदा होता है लेकिन साहस नहीं होता
इसलिए वो प्रश्न वे मूर्ख होते हैं। और तीसरे किस्म के वे लोग होते हैं जिनके दिमाग में प्रश्न पैदा ही नहीं होता, ये गुलाम होते हैं। अब इसके माध्यम से देखिए, ये जो कथन है सुनने में तो बहुत आसान सा हमें लग रहा है, लेकिन ये जो वक्तव्य है, ये वक्तव्य उतना आसान नहीं है। इसके अंदर पूरी की पूरी जो सामाजिक बनावट है वो छिपी हुई है, वो इस अर्थ में छिपी हुई है कि समाज के अंदर इस तरह के वर्ग होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं जो किसी चीज को लेकर जानते भी हैं, समझते भी हैं, उनके मन में प्रश्न भी पैदा होता है, जो शासन के द्वारा नीतियां संचालित की जाती है, जो शासन की जो पद्धति होती है उस सब के जो है ना वो राय रखती का ब्यौरा रखते हैं, लेकिन अपने निहित स्वार्थों के चलते वे लोग शासन के खिलाफ अपनी असहमति को जाहिर नहीं करते। उनके अपने स्वार्थ होते हैं और उन स्वार्थों के कारण वो जोड़ तोड़ लगाते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, हमारे यहां आज जैसे मैं अगर आज का संदर्भ लूं तो जो शासन की नीतियां हैं, कभी आपने जो व्यवसायी वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, जो औद्योगिक समूह है, उन औद्योगिक समूहों के द्वारा, उन व्यवसायी वर्ग के लोगों के द्वारा शासन की नीतियों का उस तरह से विरोध किया जाता हुआ कभी देखा है जैसे किसानों ने विरोध किया? करते हैं क्या कभी इस तरह का विरोध जैसे विरोध किसान कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं? नहीं कर रहे, जबकि ऐसा नहीं है वो जानते नहीं है, वो सब जानते हैं। देख, ईमानदारी की बात तो ये है कि सरकार ही उन्हीं की है, शासन ही उन्हीं का है, वो जो बैठे हुए हैं कुर्सियों के ऊपर वो तो उनके मोहरे हैं, उन मोहरों को वे लोग अपने हिसाब से जो है बिठाते रहते हैं कि तू इस घर के अंदर बैठ जा, तू इस घर के अंदर बैठ जा, लेकिन वे केवल अपने निहित स्वार्थों की वजह से, अपने हितों की वजह से शासन के सामने, सत्ता के सामने कभी सवाल नहीं उठाते। दूसरा, आप और हम जैसों का मध्य वर्ग है जिसके मन में असहमति भी पैदा होती है, नाराजगी भी पैदा होती है, कभी कभी वो अपनी नाराजगी को अपने कमरों के अंदर बैठ करके प्रकट भी करता है, लेकिन उसके अंदर इतना साहस नहीं होता कि वह समूहबद्ध होकर के उस सहमति, उस असहमति को कोई एक आकार दे, उस असहमति को वह सड़कों के ऊपर व्यक्त करें। ये उस मध्य वर्ग की नासमझी और नादानी है। इस अर्थ में नादानी है कि वो ये समझता है कि मेरी दाल रोटी सलामत है, मैं क्यों परेशान हूं, जिनकी खतरे में पड़ रही है वो जाने। तो ऐसा नहीं होता। एक दिन वो भी आता है जब आपके मुंह का निवाला भी छिन जाता है। वही मुझे इस संदर्भ में उस जर्मन कवि की एक कविता याद आ रही है जिसने हिटलर को लेकर के वो कविता ली, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आपने से किसी को उनका नाम याद हो तो मुझे बताना, जो वो कहते हैं कि ये सबसे पहले यहूदियों के लिए आए, मैं चुप रहा क्योंकि मैं यहूदी नहीं, फिर वे कम्युनिस्टों के लिए आए, मैं चुप रहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं, फिर वे
आम लोगों के लिए आए, मैं चुप रहा और अंत में वे मेरे लिए आए और मेरे पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं था। तो मित्रों, सच्चाई यही है, क्योंकि जब आप विरोध नहीं करते, जब आप असहमति दर्ज नहीं कराते, तो एक ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब आप आसपास नजर फैला उठा करके देखते हैं तो अपने को अकेला पाते हैं, क्योंकि आप जब दूसरों के लिए खड़े नहीं हो रहे तो दूसरा आपके लिए क्यों खड़ा होगा। और शासन निरंतर इस कोशिश के अंदर लगा रहता है कि लोग एक दूसरे से जुड़े नहीं, एक दूसरे के निकट नहीं आए, एक दूसरे के दुख दर्द के अंदर भागीदार नहीं बने। अब तो आपके हाथ में एक ऐसा उपकरण दे दिया गया है जिसके अंदर आप रात और दिन खोए रहिए और जैसा जैसी आपकी रुचियां हैं वैसे दृश्य देखिए, है वैसी वैसी बातें सुनिए, वैसे वैसी जो है ना वैसा आप मनोरंजन कीजिए और डूबे रहिए अपने आप के अंदर, दूसरे से कोई वास्ता ही। तो ये जो स्थिति बना दी जाती है शासन के द्वारा, ये असहमति को खत्म करने, ये विरोध को खत्म करने, ये प्रश्न करने की जो प्रवृत्ति है उस प्रश्न करने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने का प्रयास होता है। और इस प्रयास का की मुखालफत, इस प्रयास का विरोध करना ही एक तरह से प्रश्न संस्कृति को आगे बढ़ाना है। आप पूछिए, दिक्कत यह है कि हम अपने घरों के अंदर भी सवाल नहीं करते तो फिर शासन जी क्या सवाल करेंगे। और हमारे यहां तो उस बच्चे को सबसे ज्यादा आज्ञाकारी माना जाता है जो गर्दन झुका करके और पिता के द्वारा जो कुछ कहा जा रहा है उसे स्वीकार कर, चाहे वो पिता उसको सवाल कुछ कह ही नहीं रहा, उसके दो चार चपत भी लगा रहा हो, उनका भी उसका भी वो प्रतिरोध नहीं कर, और वो बड़ा आज्ञाकारी समाज के बड़ा सुशील है, बड़ा बड़ों का आदर करने वाला। तो भाई ये जो इस तरह का आदर है, ये जो इस तरह की सुशीलता है, ये इस तरह की जो आज्ञाकारिता है, ये आज्ञाकारिता आपके व्यक्तित्व के अंदर गुलामी को जन्म देगी, आपके व्यक्तित्व के अंदर दासता की प्रवृत्ति लाती है, फिर आप स्वतंत्र रूप से अपनी कोई राह तय नहीं करते, आप किसी के पिछलग्गू बनते हैं। और ये जो पिछलग्गूपन है, ये पिछलग्गूपन किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी समाज के लिए सबसे घातक होता है। आप हाथ मूंद करके किसी का पीछा कर रहे हैं, ये नहीं सोचते कि वो आपको कहां, आप भेड़ हैं, भेड़ों के अंदर ये प्रवृत्ति होती है कि उनको जिधर हाथ दिया जाए, गडरिया उनको जिधर हाथ देता है वो समूह के अंदर आंख मूंद करके उस ओर चल पड़ती है। मनुष्य होने के नाते कम से कम इतना विवेक तो हमें होना चाहिए कि हम उस भेड़िया घसान से अपने आप को बचा कर रखें। और आप किसी और से सवाल अगर नहीं कर सकते तो कम अपने आप से तो सवाल कीजिए। जब आप अपने आप से सवाल करना सीख जाएंगे तो आप में इतना आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा, इतना साहस पैदा हो जाएगा कि आप सामने वाले से भी सवाल करना चाहिए। एक तक यही है कि जो लोग अपने आप से सवाल नहीं करते वे दूसरों से भी सवाल नहीं करते। इसलिए मैं ये कहता हूं कि हमें
प्रश्न पूछना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए, और एक लोकतांत्रिक समाज के लिए प्रश्न की बड़ी अहमियत है। अगर आप शासन में बैठे हुए लोगों से प्रश्न नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उनके द्वारा जो कुछ किया जा रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं। तो क्या ऐसा ये स्थिति बहुत ठीक है? आप अगर प्रश्न नहीं कर रहे हैं, आप अगर अपनी असहमति दर्ज नहीं करा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो कुछ आपके लिए किया जा रहा है, आपको जो आदेश दिया जा रहा है उसको आप मान रहे हैं और कर रहे हैं। उसमें यह भी नहीं देखना चाहते आप कि ये चीज मेरे अनुकूल है या मेरे प्रतिकूल है। तो ऐसी ऐसी जो मनोदशा है, इस मनोदशा से बाहर निकल करके आप जब प्रश्न करते हैं, असहमति दर्ज कराते, विरोध करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप कोई बागी हैं, आप कोई विद्रोही हैं, बल्कि उसका मतलब ये है कि आप एक सजग नागरिक हैं, आपके अंदर जागरूकता है, आप में तर्कशीलता है, आप आंख बूंद करके किसी बात को स्वीकार नहीं करते। गौतम बुद्ध ने तो कहा ही, आप देखिए वो कहते हैं कि प्रत्येक बात पर संदेह कीजिए, यहां तक कि गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा मैं अगर तुमसे कुछ कहता हूं उसे भी संदेह की दृष्टि से देखो, क्योंकि जब आप संदेह करेंगे तब ही सच को जान पाएंगे। अगर संदेह आप नहीं करते हैं तो आप सच नहीं जान सकते, सच का आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि फिर तो आप जो कुछ आपसे कहा जा रहा है उसको आप स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं, मौन रहे हैं, और मौन रहकर के एक तरह से आप अपनी स्वीकृति दर्ज करा रहे हैं, अपनी स्वीकृति व्यक्त कर रहे हैं। हमारे यहां कहा भी गया है मौनम स्वीकृति लक्षण, मौन तो स्वीकृति का लक्षण होता है। आप चुप रहते हैं इसका मतलब आपको सब कुछ स्वीकार है। फिर तो हालत यह हो जाती है कि तन मन धन गोसाई जी के अर्पण। अब अगर मान लीजिए इस दशा में आप पहुंच गए कि तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, तो भाई कम से कम ये तो सोचो कि गोसाई जी को ये क्यों चाहिए, गोसाई जी आपसे तन मन धन क्यों चाह रहे हैं। जब गोसाई हो गया है, गोस्वामी, गोसाई का मतलब होता है गोस्वामी, और गोस्वामी वो होता है जो अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कायम कर लेता है। कोई मठाधीश की गोसाई नहीं कहलाता। गोस जो शब्द है उसका अर्थ होता है इंद्रियां, जो अपनी इंद्रियों का स्वामी है, जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कायम कर लिया है वो गोस्वामी है। तो जब सारी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कायम कर लिया है तो फिर तनमन धन की कहां जरूरत पड़ रही। लेकिन बात यही है कि जब हम उन सारी चीजों के विस्तार में जाते हैं, जब हम संदेह करते हैं, जब हम अपने आप से सवाल पूछते हैं, तब सामने वाले से सवाल करने का मन होता है, सामने वाले से सवाल करने की इच्छा होती है। और अगर इस देश के अंदर हमें हमारे पुरखों ने जो एक लोकतांत्रिक समाज धरोहर के रूप में सौंपा है, इस लोकतांत्रिक समाज को हमें सुरक्षित रखना है, बचाए रखना है, तो हमें प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि हम प्रश्न नहीं
पूछ करके इस देश के लोकतंत्र को खतरे में डाले। इस देश का लोकतंत्र तब ही सुरक्षित रहेगा जब हम अपने आप से और प्रतिपक्षी से सवाल करें। वो लोकतंत्र, लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि आप सवाल करके एक ऐसा ऐसा स्पेस तैयार करें, एक ऐसा स्पेस तैयार करें जिससे उस व्यवस्था के अंदर आपकी भागीदारी तय हो सके, आपको ये लगे कि मैं भी इस व्यवस्था को बनाने के अंदर कहीं कहीं पर जिम्मेदार हूं, मेरी भी इस व्यवस्था को बनाने में भूमिका है। ये आप तब ही जांच सकते हैं, केवल वोट देने से नहीं होता। वोट देने का मतलब तो यह है कि आपने वोट दे दिया और अपना काम पूरा समझ लिया कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, जबकि आपकी जिम्मेदारी, एक नागरिक की जिम्मेदारी वहीं से प्रारंभ होती है कि वह लोकतंत्र के अंदर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए निरंतर प्रतिपक्षी को इस बात के लिए तैयार करें, इस बात के लिए मजबूर करें कि वह आपको संविधान के द्वारा प्रदत्त जो अधिकार है उन अधिकारों की रक्षा करते हुए शासन को संचालित करे। और अगर वो शासक ये सब नहीं कर रहा है तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके सामने सवाल खड़े करते हैं। तो मित्रों, मैं समझता हूं कि मैंने अपनी बात शायद आप तक पहुंचाने के अंदर पूरी कोशिश की है और उस बात, वो बात आप तक पहुंच भी गई होगी। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो अपना कार्यक्रम है वो एक तरफा न होकर के संवाद का रूप में और संवाद के माध्यम से ये विमर्श और आगे बढ़े तो उससे हम ज्यादा सार्थक निष्कर्षों तक पहुंच पाएंगे। धन्यवाद। क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार, समाचार जगत से वही हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक है सवालों की संस्कृति। ये लाइन सवालों की संस्कृति शायद इस लाइन की किसी ज्ञानी की लाइन होगी, शायद लोकतंत्र की स्थापना इस लाइन के बाद हुई होगी, ऐसा मेरा सोच है। सवाल जहां तक संस्कृति की बात है, आज संस्कृति की बात हम करते हैं, समाज की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं संविधान लोकतंत्र दोनों का बैलेंस नहीं हो पाता, क्योंकि संविधान में तो कोई खामियां नहीं रही होगी, पता नहीं, पर सभी संविधान लिखा, बाबा साहब ने लिखा,
बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा अपने अपने क्षेत्रों में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वर्तमान में संविधान सम्मान सामाजिक व्यवस्थाएं इन चीजों पे अचानक हुए हमले ने आज मजबूर कर दिया कि सवालों की संस्कृति जैसे टॉपिक के विषय पर कुछ चर्चा की जाए, क्योंकि ये भी देखने में आ रहा है सच बोलने वाला वर्तमान में गुनाहगार। चलिए पहली व्यवस्था ये थी, हमने ये देखा अंग्रेजों के शासन में शहीद भगत सिंह साहब, चंद्रशेखर साहब और जो भी कोई साहब है जिनका इस देश के आजादी के लिए और बेहतर व्यवस्था बिठाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है, जिसका हम गाहे बगाहे आज भी गुणगान करते हैं। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि उस पीरियड में अंग्रेजों का राष्ट्र ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। अब बात आ रही है सोलंग संस्कृति, सवाल ये है उस दौर में अगर शहीद भगत सिंह गुनाहगार थे तो उन्हीं को सजा दी गई, अगर राजगुरु गुनाहगार थे तो उन्हीं को सजा दी गई, जो भी कुछ स्वतंत्रता सेनानी थे जो भी गुनाह किए थे वो ही भागीदार है, सजा के भागीदार। लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये देखा जा रहा है कि दूसरे दूर के रिश्तेदारों को भी नचेटा जा रहा है अगर उसे बोलना है तब, तो ये सवाल की संस्कृति बड़ी बहुत गंभीर विषय है और भी गंभीर हो जाती है। लेकिन अब जहां सवालों की फुल स्टॉप है और संस्कृति का ताना माना, तो हमारा रूढ़िवादी सिस्टम अच्छा था, आज अगर पीछे देखते हैं वर्तमान में देखते हैं सब कुछ तहस-नहस हो गया। इसका सोल्यूशन ये भी क्रांतिकारी लाइन है, एक क्रांति की जरूरत पड़ी और वो क्रांति युवा से शुरू होती, भगत सिंह साहब राजगुरु साहब ये युवा शक्ति थी, कुछ कर गुजरने का मादा था। ऐसी बात नहीं है कि आज का युवा भी कोई क्षेत्र में क्रांति ला सकता है, लेकिन ये देखने में आ रहा है आज का युवा बेरोजगारी से गुजर है, या तो उसको उस तरफ मोड़ दिया गया है, उस मोड़ पे ले जाया गया है, ये समझ में नहीं आता कि रास्ता कहां से निकलेगा, चिंगारी कहां से निकलेगी। अभी वर्तमान में हालत जब न्याय व्यवस्था कौन चलिए सब आप लोग जान रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, टीवी डिबेट्स देख रहे होंगे, तो एक ये लाइन है सवालों की संस्कृति इसमें टीवी जाना पड़ेगा और युवाओं की भागीदारी इसमें नितांत आवश्यक होगी। युवा ही देश का निर्माता है, भागीदार है, अगर वो सर्विस में जा रहे हैं तो वो भागीदार है, एजुकेशन में जा रहे हैं तो वो भागीदार है, ट्रांसपेरेंसी वही निकलेगी वही देखने को मिलेगी। अब विषय तो है लेकिन अस्पताल में पहले हम देखते थे अस्पताल इलाज करवाने जाते थे तो सिर्फ सांकेतिक बोर्ड लगे होते, एक नर्स एडमिन साइलेंसिंग एंट्री होने वाला है हॉस्पिटल में जाने वाला, वो बोर्ड देखते ही ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाता था, क्यों प्रोफेसर एम आई राइट सर, देखते मैसेज मैसेज और साइलेंसी अस्पताल में साइलेंसी देना जरूरी है। तो इस टाइप का कोई मैसेज हो तो वो बुद्धिजीवी वर्ग के निकल सकता है। मैं आशा करता हूँ
मुझे बहुत उम्मीद है, पूरे विश्वास से मैं कह सकता हूँ कि आज सवालों की संस्कृति का उद्घाटन के रूप में आशीर्वाद नेक्स्ट में इंशाल्लाह और चीजें भी और रहने भी सामने आएंगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। उससे कोई साहित्य उससे कोई सवाल ही नहीं है, लगा नक्श के उम्मीद होती है आजकल पूरी नहीं अभी हम मोइन आफरीदी साहब को सुन रहे थे और उन्होंने सवाल तो नहीं किया लेकिन इस विषय की गूढ़ता पर प्रकाश डाला कि यह विषय कितना अहम है हमारे लिए हमारे समाज के लिए। भाई शाहिन साहब आप कुछ कहें? ये सर अच्छा हाँ ठीक है, प्रश्न हो तो उनके उत्तर भी मिले ताकि जो हमारा समाज है वो रह सके, आगे बढ़ सके, उन्नति कर सके। यही विधा और इस विधा पर जिस ढंग से मनु साहब ने समझाया आदमी ताको प्राप्त हुआ और बाकी सभी लोग यही प्रयास करें कि जो मनु साहब ने कहा उससे आगे तो हम नहीं बढ़ सकते लेकिन उनके अर्थ को क्या कहें क्या मैंने वो आगे बढ़ा। जहां प्रश्न की बात आती है तो एक बहुत बड़ा प्रश्न एक समाज ने दिया आज क्षमावाई कर और उन्होंने क्या कहा क्षमा मांगने के लिए कहा लोगों को एक प्रश्न किया पूरे समाज से कि आप मुझे क्षमा करें आप मुझे क्षमा करें। अब जो आपके ऊपर है कि आप करते हैं या नहीं करता होगा ये उसका उत्तर हो गया। तो उसी के ऊपर मैंने इसको काव्य रूप में परिवर्तित करके और दिया ये सभी किया आपके सामने आएगा अच्छा लगे तुझे लगे मैंने कह नहीं सकता। क्षमा कर्म ना करूं ऐसा कर्म क्षमा मांगनी हमने और कहा भी है ऋषियों ने कि क्षमा बड़ा कार्य है और ऐसा भी हुआ है जहां क्षमा मांगी गई और उसका ऐसा प्रतिउत्तर मिला कि क्षमा करने वाला पछता कर रह गया। तो ये भावना वहां से उठी कर्म ना करूं ऐसा क्षमा मांगनी पड़ेगी कर्म ना करूं ऐसा क्षमा मांगनी पड़ेगी अपने कर्मों को सुकर्मों से जड़े अपने कर्मों को सुकर्मों से जड़े क्षमा कर्म न करूं ऐसा क्षमा मांगनी पड़े अपने कर्मों को सुकर्मों से जड़े जिसमें प्रतिज्ञा ले जिसमें प्रतिज्ञा ले। अब जब आपको कुछ करना है समाज के लिए तो प्रतिज्ञा तो दूसरों देती ही वो भी करनी है छोटी मोटी प्रतिज्ञाएं आप अभी लेंगे और यहाँ से बाहर निकलते ही छुट जाएगी तो उसका कोई अर्थ नहीं है वो व्यर्थ है। तो जिसमें प्रतिज्ञा ले ताला जिज्ञा को जड़े जिसमें प्रतिज्ञा ले ताला जिज्ञा को जड़े भाग्य के भरोसे भाग्य के भरोसे के नाम रहे ना पड़े भाग्य के भरोसे के नाम रहे ना पड़े सहजता को क्या सीखो नियम करे सहजता को क्या हम हर चीज में सहजता ढूंढते हैं कि मैंने ऐसा सोचा तो ये हो जाए मैंने वैसा सोचा वो हो जाए ये हमारी सहजता है और इस सहज प्रवृत्ति के अंदर ही
जो आज का समाज घूम रहा है और आगे बढ़ने की ओर अग्रसर ही नहीं हो पाता हो, क्योंकि उसको सहज चाहिए सब कुछ। तो सहजता को क्या सीखो, नियम कड़े लघु रखो क्षमताएं। अगर आपने अपनी क्षमताओं को स्थिर कर दिया तो निश्चित रूप से फल करने सफल नहीं बनेंगे, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न करें। और जिन्होंने अपनी क्षमताओं को ही लघु कर दिया, छोटा सा छोटा कर दिया, बड़ा से बड़ी पहाड़ होती सबके सामने आती है, कौन है ऐसा इस संसार में जो इन चीजों से नहीं गुजरा। क्योंकि लघु रखो शंकाएं, विचार रखो बड़े, लघु रखो शंकाएं, विचार रखो बड़े। चाहे हिमालय बनो, आपको बनना है, आप हिमालय तक पहुंचो ना, कौन रोक रहा है आपको, किसने आपके ऊपर आक्षेप लगाया, किसने आपको प्रश्न किया कि आप हिमालय पर रोक रहे हो, चाहे वाले चेहरे में और शीर्ष तक पहुंचे हैं। चाहे हिमालय बनो दिन बात नहीं लड़े, हिमालय बनो, लेकिन ये नहीं कि तो हिमालय बन गया तो अब मतलब चेहरे तो आगे बढ़ने नहीं हुआ, मतलब अब जो हम नहीं रहूंगा मेरे आगे कोई नहीं। तो वो भावनाएं अगर आप करोगे तो भी विफलता मिलेगी। मौन सा ना पीने, मौन सा ना पीने, इसमें ये भी आएगा कि आप शुरू करने की जरूरत नहीं है, कुछ हम कि ऐसा नहीं कि आप मौन बन करके बैठ जाए और कोई आए जो सबसे आपको चले गया कोई पे चढ़ता है
समाज साथ नहीं रोकता है, समाज साथ नहीं रोकता है, लेकिन जरूरत पड़े तो कहीं का नहीं सोचता है। आपके समाज को किसी ने कभी किसी साथ में जोड़ करके आपको किसी ने बढ़ाया क्या? आप आगे बढ़े क्या उनकी वजह से? आज आप जहां जिस जगह पर पहुंचे अपने ही कारणों से, अपने ही प्रश्नों से, अपने ही समाज से मिले पुत्रों से आप आगे बढ़े। आओ समाज सजाए, तो आओ समाज सजाए। आज जो यहां बात करते वही बात कर रहे हैं कि समाज कब सजेगा, जब समाज से प्रस्तुत किए जाएंगे, जब समाज को उत्तर मिलेंगे। उत्तर प्रश्न उत्तर जब तक नहीं होंगे कोई समाज न तो प्रस्तुत हो सकता न आगे बढ़ सकता। तो आओ समाज सजाए, जो बीता उसे बुलाएं, आओ समाज सजाएं, जो बीता उसे बुलाएं। बेनाम बने महान सामाजिकता, बेनाम बने महान सामाजिकता। Thank you.
गुलबर्गी जी हैं, उन्होंने झेला इस चीज को। और ये वो देश है जो आज बड़े गर्व के साथ कह रहा है कि हमारे पुरखों ने हवाई जहाज की टेक्निक ले खोज ली थी, उड़ रहे थे, लेकिन वो बीच में भूल गए, वो चुरा के ले गए। तो इस तरह का जो मिथ्या गौरव अभिमान है वो हमारा देश जी रहा है। अभी अभी पता चला है हमारे देश को कि महाभारत काल में डोंगल मिला है इंटरनेट का, तमाम तरह की बातें हैं जो आज पसरी पड़ी है हमारे हिंदुस्तान में। सदियों हजारों लाखों वर्ष पहले हमारे देश में सृष्टियां हो चुकी है, तमाम तरह के सवालों जो जब इस तरह के सवाल जब उठाए जाते हैं कुचल दिया जाता है। और ये राजसत्ता का हमारे चरित्र भी होता है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। मेरा तो साथी भी यही कहना है कि सवाल कभी खत्म न हो पाए। जब जिस दिन हमारे सवाल खत्म हो जाएंगे, समझ लीजिए हम उस दिन खत्म हैं। हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए, हमें अपने घर वालों से सवाल करना चाहिए, हमें उन प्रत्येक इंसान से सवाल करना चाहिए जिनसे आप कुछ जानना चाहते हैं कि आप जो ये बात कह रहे हैं इसका क्या असर होने वाला है, ये बात क्या है। तो चूंकि इस मंच ने सवाल उठाने का एक सिलसिला शुरू किया है, तो एक मैं पता नहीं वर्ड बड़ा मिथ्या गौरव अभिमान से मैं उसको गजल कहता हूं, तो मैं गजल कह देता हूं आज आपके साथ। तो वही उसी संदर्भ में है जो लंकेश गोरी है, पानसरे है। तो देखिए कि एक चित्र खींचने की कोशिश मैंने अपने शब्दों में की है। बर्बा है कह जो हत्यारे को हत्यारा कह दिया, बर्बा है कह जो हत्यारे को हत्यारा कह दिया। फूटी नहीं आवाज कहीं जो घर मेरा उजाड़ दिया, फूटी नहीं कोई आवाज जो चुराई रोटी भूखे बच्चे ने, चुराई रोटी भूखे बच्चे ने, चोर को सिख सारी कौम हो गई, चोर को सिख सारी कौम हो गई। सन्नाटा छाया रहा भर भर लोरिया मेरा, खेत ले गया सन्नाटा छाया रहा जब कोई भर के लोरिया कोई मेरा खेत बच्चे उनके इल्म की रोशनी में हमारी हथेली में धर्म का झंडा, बच्चे उनके इल्म की रोशनी में हमारी हथेली में धर्म का झंडा। कब्जिया कर इल्म का सारे हमें कातिल लिंचर बना गया, कब्जिया कर इल्म का सारे हमें कातिल लिंचर।
कलाई कलावा अपने बांध गया, कील गया दिमाग हमारा, कलाई कलावा अपने बांध गया, ठगते अदालती मनु मनु पुराण पुराण मेरे घर रख गया, पर पाह कह जो हत्यारे को हत्यारा कह दिया, चोर सातिर है बड़ा, चोर सातिर है बड़ा, भैंस हमारी चुरा चुरा कर ले जा रहा, चोर सातिर है बड़ा, भैंस हमारी चुरा चुरा कर ले जा रहा, एक रस्ते से भैंस ले गया, एक रस्ते से भैंस ले गया, तुझे पर घंटा हमें तम थमा गया, कह दिया कातिल झुका दिल को। शुक्रिया। आज का जो ये विषय रखा है कि इंसान को किसी भी विषय के बारे में अगर उसके समझ में वो चीज नहीं आती है या वो सत्य नहीं है तो उस पर सवाल उठाना चाहिए, और अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो वो आदमी ये सत्य करने वाला भी उसको सत्य मानेगा, वो समझेगा कि मेरे किसी काम करने का विरोध नहीं हो रहा इसलिए मैं जो काम कर रहा हूं वो सत्य काम कर रहा हूं। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर नहीं पाप। जो लोग तपस्या करते हैं उससे भी बड़ा तपस्वी है सत्य बोलने वाला, और हम जानते हैं कि आज हमारे देश में सच बोलने के लिए सत्य बोलने वालों की हत्याएं हो रही है, ये इस चीज का उदाहरण है। अब सत्य क्या चीज है, आस्था क्या चीज है और अंधविश्वास क्या चीज है। हम महाराष्ट्र में जाते हैं और भालू का खेल तमाशा करते हैं और बोलते हैं कि इसके बाल से बच्चों को नजर नहीं लगती और ये ताबीज बांधो, तो वहां एक संस्था है अंधश्रद्धा के नाम से, तो कभी कभी उनके लोग मिल जाते हैं और कहते हैं कि बंद करो ये दुकान क्या लगा रखी है, भाई संख्या हो गया, अरे ये अंधविश्वास फैला रहे हो आप कि ये इसके बाल के बांधने से नजर नहीं लगेगी और इससे जादू टोना नहीं चलेगा, अरे जादू टोना है ही नहीं है तो चलेगा कहां से, इसको बंद करो, ये अंधविश्वास है। अब पलट के अगर सवाल कर दें तो भाई ये जो मंदिर है मस्जिद है या दरगाहें हैं तो वो कहते हैं वो तो आस्था है, वो आस्था है। अच्छा अब विज्ञान दृष्टिकोण क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है कि कोई चीज है तो उसको जांचेंगे, उसको परखेंगे, उसकी पहचान करेंगे, उसकी सत्यता को नापेंगे और नापने के बाद में उस चीज के बारे में कहेंगे कि ये चीज सच। इसलिए आज पूरी दुनिया के अंदर विज्ञान का बोलबाला है और आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली कि वो बहुत आगे तक पहुंच गया, तो इंसान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही अपनाना चाहिए, बगैर जांचे परखे किसी भी चीज को। और गलती तो मतलब महापुरुषों से हमारे यहां तो हदीसों में बयान आता है कि नबी से हो गई, वो पहले नबी थे आदम अलैहि सलाम, उनको मना किया जन्नत में थे कि भाई ये गंदम का फल है आप इसको मत खाना, आप शैतान इब्लीस के भेदभाव में आ गए, आपने उस गंदम के दाने को खा लिया, आपका ताजो तखत गिर गया, तो गलती तो आदम अलैहि सलाम से हो गई, नबी से हो गई, तो फिर इंसान की क्या विशाल है कि इंसान गलती नहीं करेगा। अब ये चीज हमारे भारत के अंदर इतना सवाल करने का सिस्टम क्यों नहीं है या लोगों में ये क्यों नहीं है कि ज्यादातर लोग सवाल नहीं करते,
इस चीज को अगर गहराई से मैंने सोचा तो ये लगता है कि हजारों साल से हम लोगों का जो शासन था और शासन करने का जो तरीका हमारे देश में रहा हजारों साल के लिए, वो राजा और महाराजाओं का और धर्म के प्रति कुछ शब्द बोल नहीं सकते, धर्म के सलोक पढ़ नहीं सकते, तो ये जो चीजें थी तो उस चीजों ने हमारे को बिल्कुल अंधविश्वास में दबा कर रखा और बोलते हैं तो जान जाती। वहां अलाव नहीं था, राजाओं का शासन था, धर्म का शासन था। वो शासन जब बदलते बदलते आज लोकतंत्र आ गए और बाबा साहब ने जब संविधान लिख दिया तो उसमें लिख दिया अभिव्यक्ति की आजादी है पूरी, आप अपनी बात कहने के लिए माइक का सहारा ले सकते हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कह सकते हैं, फिल्म बनाकर कह सकते हैं, गीत के माध्यम से कह सकते हैं, कविता के माध्यम से कह सकते हैं। अभी हमें बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी है। अभी जो किसानों के धरने की बात की, जब मैं कक्षा 4 में पढ़ता था जब उसमें एक पाठ आया कि हाड़ मांस चाम दाल खेत में लू लपट ठंड में बोनी रे जोतनी कौन जमीन रो धनी, वो किसान ये कह रहा है जिस टाइम पे ये प्रथा थी कि जमीन पे खेती तो किसान करता हो, उसकी फसल जो है वो सेठ लोग साहूकार लोग जमींदार लोग ले जाते हैं, तो वो अपनी पीड़ा कविता में कह रहा है कि हाड़ मांस चाम दाल खेत में लू लपट ठंड में बोनी रे जोतनी कौन जमीन रो धनी। और फिर उसके आगे था ठगे बढ़िया ठाकर ठग हुई है पीढ़ी, ठगता है बढ़िया और ठाकुर मिलते हद हो गए इनकी हेकड़ी की, ये अपनी हेकड़ी चलाते हैं। लेकिन उस चीज के बाद में आज फिर दोबारा से उसी दुनिया में उसी बातों पे हमें लौटाया जा रहा है। अगर किसान इतनी मजबूती से वो जो कानून लेकर आए थे अगर उसका विरोध नहीं करते तो दोबारा से किसानों की जमीनें साहूकारों के पास में चली जाती। अब ये एक अभिव्यक्ति की आजादी और एक बोलने का तरीका और रास्ता था जिसका जमकर किसानों ने विरोध किया और उस कानून को रद्द करा दिया। अब ये चीज हम जो आज में देख रहे हैं तो समझ में ये भी आता है कि लोग हमें जो बांटते हैं तो उसके अंदर क्या है कि हम कई जाति के नाम पर कई धर्म के नाम पर बांट दिया जाता है, जबकि हम इस चीज को अगर मजबूती से पकड़ें कि सत्ता करने वाले सत्ता में हैं तो हम सब नागरिक हैं और एक नागरिक के साथ में कई अत्याचार होता है तो दूसरे नागरिक को उसका सहयोग देना चाहिए और अगर वो उसका सहयोग नहीं देगा तो फिर वो हिटलर वाली कहानी आ जाएगी कि भाई यहूदियों को मारा तो सोचा मैं यहूदी नहीं हूं, आम नागरिकों को मारा तो मैं आम नागरिक नहीं हूं। हिटलर के बारे में मुझे एक बार सुनाया कि हिटलर एक बार अपनी संसद में एक मुर्गे को लेकर संसद में घुसे और उसके ऊपर पकड़कर खींचना शुरू कर दिया, कैसे गए पीड़ा से रहा उसके सारे पर उखाड़ दिए, उखाड़ने के बाद में उस मुर्गे को दाना डालता गया और मुर्गा उसके पीछे चलता गया। अब उसकी संसद में किसी ने इसका विरोध नहीं किया, जब उसने समझाया कि जब कोई विरोध करने वाला नहीं है तो उसने सोचा कि मैं अब अपना मनमाना काम कर सकता हूँ। तो ये फिर कुछ हमारे घरों में भी ऐसी चीजें ज्यादा सवाल करे तो बच्चे की तरह बात बात में सवाल पूछता चलो ज्यादा बोलता ज्यादा समझ आ गई कि तेरे में बड़ा समझदार बन रहा है क्या, फिर वो कितनी बार समझा वहां पर जाके बैठता ये करता वो करता है, तो वो चीजें भी हमें दबा के रखती है। लेकिन हमें अच्छी बुरी चीजों को ये सारी चीजें खुलती इसी तरह से कि ऐसी मजलिसों में ऐसे प्रोग्रामों में जहां आदमी आकर के बैठता है, नदी में पत्थर कितना भी पीड़ा हो और उसको जब डाल देते हैं वो आबू रोड से बनना जहां से निकलती है तो टोंक में आते आते वो पत्थर उड़कते उड़कते बोर हो जाता है, तो ऐसी जगहों पर आने से बैठने से मैं तो कक्षा 4 पास हूँ तो ऐसी जगह पर आकर सीखा। जय हिंद जय भारत। मैंने कल व्हाट्सएप ग्रुप में
लगातार मैं टोंक में 8 साल से संघर्ष कर रहा हूं और संघर्ष भी केवल किसानों के लिए करता हूं, जैसे बीएड की और बीएड में मैंने संघर्ष किया, ऐसे बीएड में संघर्ष ऐसे किया कि यहाँ के जितने भी बीएड संस्थाएं हैं वो बच्चों को पढ़ाना ही चाहती है और जो पढ़ने आते हैं उन पर आरोप सौंपती है, तरह तरह के दबाव डालती है ताकि वो पढ़ने नहीं आए और इनको मोटा डोनेशन दे देते हैं। हाँ, मैंने 5 रुपए से स्टार्ट किया और सेंट सोन में जेपी पटेल कॉलेज में बीएड की, वहीं से मैंने भूमि अधिग्रहण ली। 2014 में मोदी जी लेके आए थे, उसमें यह था कि जहां भी हाईवे निकलेगा उसके 3 किलोमीटर ओली साइड 3 किलोमीटर पहली साइड तो वो इसी भी जमीन जो उद्योगपति को मन में आता है वो ले। तो हमने उस वक्त ये सोचा कि सिंचित जमीन को ले उद्योगपति देगा क्योंकि पानी की जहां इसको उसकी तो अच्छी जगह तो देगा। उसी वक्त से मैं आंदोलन में जुड़ा हूं और मैंने कभी अपने सर्विस के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं किया और 365 दिन और 24 घंटे इसी काम में लगा रहता हूँ। मैं कल भी जैसे आया था तो अभी भी टोंक की कहीं मैं पीड़ाएं देखता रहता हूँ। अभी भी जो टोंक में आंदोलन चल रहा है, एक तो जो किसानों को यहाँ मुआवजा मिला चाहे NH-12 हो NH-116 हो उन पे असिंचित जमीन का मुआवजा दिया गया। कारण यह रहा कि उनकी जमीन को आज भी राजस्व विभाग ने सिंचित नहीं लिखा, जबकि 18/2/2016 को ही राजस्थान सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी कि निशुल्क कमांड क्षेत्र 81,800 हेक्टेयर जमीन को कमांड घोषित किया जाता है। 2011 में अधिसूचना जारी कर दी है जाती है और अपने PLM-14 मतलब डाडा पादरी माइनर नंबर 14 से सेवा रामपुरा की जमीन सिंचित होती है, उसके बावजूद भी उस वक्त उस जमीन को असिंचित माना गया और एक्वायर कर लिया 2010 में अधिसूचना निकाली। उसी वक्त 66 बीघा और 8 बिस्वा जमीन किसी पावर वाले व्यक्ति की छोड़ दी। उसके बाद में 22 को फिर 6 बीघा 7 बिस्वा जमीन की छोड़ दी। वो कौन था? वो एक कल्पतरु पावर प्लांट का उद्योगपति था जिसकी फैक्ट्री 2013 में बंद कर दी। कितने दिया हुआ ये सब जो डॉक्यूमेंट हो रहा हूं मेरे हाथ से निकला हुए। अभी मैंने ताजा डॉक्यूमेंट निकलवाया कि आपने सिंचाई विभाग को क्यों नहीं लिखा, आवासन मंडल को, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये काम ने आज दिन तक अधिसूचना भी जारी नहीं की कि यह सिंचित जमीन है। सिंचाई विभाग से मांगा तो सिंचाई विभाग ने कहा कि हमने आवासन मंडल को भी मतलब नहीं लिखा। तो जमीन जब किसी भी योजना में चली गई तो उसका पार्ट है वो किसान के साथ साथ, जब पार्ट वाले ही नहीं बोल रहे हैं तो कौन बोलेगा। उसका नुकसान ये हुआ कि अभी जो ये सेवा राम प्राइम जमीन ले रहे हैं ना इसको 2011 की डीएल से दे रहे हैं वो लोग, वो 500 मीटर सड़क से 500 मीटर तक मात्र 2.5 लाख रुपए पर बीघा जमीन ले रहे हैं, जबकि वहां की जमीन 30 लाख बीघा 1 बीघा जमीन है जिससे 2.5 लाख ले रहे हैं। ऐसे लूट करते रहे उस टाइम ले लिया। अब जैसे ही इस सरकार में आप इसमें 37 गांव होते हैं, 37 गांव को 2011 का मुआवजा दे रहे हैं और जमीन आपने एक्वायर कर दी, जबकि कानून ने भूमि पालन अधिनियम 2013 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप अगर 5 साल तक भूमि का उपार्जन नहीं करोगे तो उस जमीन की DLC और पूरी गणना पुनर् लागू होगी जिस वक्त आप उपयोग में लोगे। तो ये कोई भी पालना नहीं कर रहे, नहीं इसको समझना चाह रहे हैं। हमारे किसान नहीं समझना चाह रहे, हमारे किसानों को ये बेचारे चाहते हैं कि नेता हो जाएंगे। नेता तो बने तो तुम्हारा उद्देश्य पूरा करे उनको तो बनाओ। जैसे अभी MSP की बात आई कि किसानों ने कहा, एक सेकंड लिसन, उसमें बाजरा का MSP 2350 रुपए है, बाजरा 1100 बिक रहा है तो 1100 का नुकसान होता है और कृषि मंत्री कह रहा है कि पार्ले जी इनके बन रहे हैं, फ्री में इनकी बन रही है। तो ऐसे अब इनके लिए जिनकी पीड़ा खुद भी नहीं उठाए और दूसरा उठाने लगे उसको बदनाम करना चालू करते हैं। इसीलिए हम तो मैंने तो ये धारण किया है कि जब तक इस देह में प्राण रहेंगे मैं किसानों के लिए लड़ता रहूंगा, चाहे कोई बोले या नहीं बोले।
पीछे पुराना है, यही बात कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप जब किसी भी काम को अपना मकसद बना रहे, पीछे की चिंता न करें, क्योंकि दबाव तो परिवार का भी रहेगा, रिश्तेदारों का भी रहेगा, कुटुंब का भी रहेगा, जो अपने मिलने वाले वो भी कहेंगे कि कमा, ये सब आएगा। तो इसके पीछे आप दौड़ना बंद करोगे तो सब साथ देने लग जाएंगे। और मैं तो शुक्र अदा करता हूँ, पूरे समाज का मेरा साथ दे रहा है और मैं साथ भी देता हूँ, यही मेरी वाणी। बहुत शुक्रिया। आदरणीय भाई मनु जी, विद्वान साथियों, आज के हालात को देखते हुए बड़ा ही मौजूद विषय लिया गया है सवाल संस्कृत, और कोई भी जो चीज उठाई जाती है वो इसलिए उठाई जाती है कि उस पर कहीं भी जो है अंधकार छाया हो। बार बार सत्य बोलने की बात उठाते हैं, इसका मतलब है झूठ का बोलबाला है, इसलिए कहा जाता है कि सत्य बोल। तो सवालों की संस्कृति पर जो बात रखी है, मैं सोचता हूं कि इसीलिए रखा गया है जन सरोकार मंच द्वारा, कि जो भारतीयों की खास तौर से संस्कृति रही है वाद संवाद की, उसमें थोड़ा सा ग्रहण सा लगे। इसमें मैं दो किताबें आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप पढ़ना चाहें, भारतीय संस्कृति की वार्ता, जिसमें वाद संवाद को बहुत प्राचीन काल से इतना संरक्षण दिया है, उतनी बातें कही गई है। तो अमृते सेन ने लिखे आर्गुमेंटेटिव इंडियन, और दूसरा अभी वो ज्यादा समय नहीं हुआ, रवीश कुमार की आई है बोलना ही गणतंत्र। खैर, तो देखिए आज मनुष्य जिस अवस्था से निकला है और जिस अवस्था तक पहुंचा है, वो जिज्ञासा है उनके मन में उठी, प्रश्न उठे और उनकी खोज में लगा रहा, और परिणामतः वो समुद्रों को भी लांघने लगा, ऊंची ऊंची चोटियों को लांघकर दूसरे देशों में भी जाने लगा, और हर तरह के अपने जीवन को समृद्ध बनाने के प्रयास करता रहा। और वो उसके पीछे जो कारण है, वो मनुष्य के अंदर जो छिपी जिज्ञासा है, प्रश्न है, उनको ढूंढना। अब बात करते हैं सवालों की संस्कृति भारत में, तो मनु जी की बात का समर्थन करते हुए मैं कहता हूं कि हमारे यहां वाद संवाद को बहुत तरजीह दी गई है, ऋग्वेद में भी ईश्वर के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाया गया, उस जमाने में ही उठा लिया गया, किस रूप में है, कहां है, कैसा है, क्या करता है या नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि प्रश्न करने वाले को दबोच लिया गया या उसको सजा दे दी गई, प्रश्न रखे गए, शास्त्रार्थ हुए, और इन शास्त्रार्थों में वाद संवाद में केवल पुरुषों की ही भागीदारी नहीं रही, महिलाओं की भी, जैसे गार्गी और मैत्रेयी का नाम आता है, उन्होंने भी लंबे लंबे शास्त्रार्थ किए हैं, और एक ही वर्ग से नहीं, सभी वर्गों से। आप देखिए कि मध्यकाल में जो भक्ति काल आया, उसमें जो भक्तों ने प्रश्न उठाए हैं वो दलित वर्ग से भी हैं, कबीर जुलाहे थे,
रैदास, दलित थे, नामदेव ओबीसी थे। तो ऐसा नहीं है कि भारत में प्रश्नों को या वाद संवाद को प्रश्न नहीं दिया गया। मैं तो ये कहता हूं कि आज की तुलना में प्राचीन काल और मध्यकाल, और मध्यकाल के बाद भी मैं तो यहां से कहूंगा कि पुनर्जागरण काल जो आया, राजा राम मोहन राय, लाला राजपत राय, उसके बाद जो फ्रीडम फाइटर्स हुए, इन सालों ने ही प्रश्न ही किए अपने शासन करने वाली शक्तियों से। और वो प्रश्न किसके लिए किए? व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, आप और हम मानव समाज के लिए या मानवता जीवित रह सके उसके लिए। तो देखिए कि उसी परंपरा को ऋग्वेद ले लीजिए आप, मौर्य काल ले लीजिए आप, गुप्त काल ले लीजिए आप, मध्य काल ले लीजिए आप, पुनर्जागरण काल ले लीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन का काल ले लीजिए, और यहां तक स्वतंत्रता आंदोलन के बाद हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने जो अवधारणा दी लोकतंत्र की, वो इतनी विशुद्ध थी जिसमें सभी लोगों के मतों का स्वागत करने की बात कही गई और सभी लोगों के मतों को लेकर, चाहे वो समाजवादी रहे हो, चाहे वो साम्यवादी रहे हो, चाहे वो कांग्रेसी रहे हो, चाहे वो अम्बेडकर रहे हो, सभी की राय से एक बड़ा उदार लोकतंत्र के लिए एक संविधान बनाया जिसमें हमें पूर्ण अभिव्यक्ति की आजादी दी। और हम गवाह इस बात के कि हमने एक लिबरल डेमोक्रेसी का काल देखा। दो चार एग्जाम्पल मैं आपको सुनाना चाहूंगा, शायद आज की परिस्थिति में वो संभव नहीं है। नेहरू को काल की बात बताता हूं मैं आपको। एक बार देखा नेहरू जी, बहुत बहस होती थी वहां पार्लियामेंट, और उसकी पार्टी, उनकी पार्टी के जो सांसद थे वो भी उनको बहुत घेरते थे। महावीर त्यागी, बहुत बड़ा नाम, फिरोज गांधी तो उनके दामाद थे, कांग्रेस ही थे, लोहिया। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो लोहिया और ये जो पीढ़ी धीरे धीरे कम होती गई, बोलना कम होता गया, तो नेहरू ने सोचा कि मजा नहीं आया। तो उसने क्या किया, एक छद्म नाम चाणक्य के नाम से लेटर टू एडिटोरियल छपवा दिया एक अखबार कि क्या नेहरू तानाशाह होता जाता है। अब वो छप गया कि भाई जो है, देखिए नेहरू का विरोध कोई नहीं करते हैं और नेहरू जो बोलते हैं उसके यहां में आप, और नेहरू नहीं छपवाए। अब जो नेहरू के नजदीक थे उनको थोड़ी ठीक नहीं लगी बात, तो नेहरू के पास लेके चले गए कि देखिए साहब, अखबार की कटिंग लेके लेटर एडिटोरियल भी ये छपा है कि क्या नेहरू का नशा होता जा रहा है। नेहरू जी मुस्कुराए और कहा कि भाई बात तो सही है कि नेहरू का नशा होता जा रहा है, कोई विरोध ही नहीं करता। ये था लोकतंत्र। एक और मैंने एक जगह पहले जो है फिरोज गांधी का ही मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, देखिए प्रश्न करने की और उससे रिजल्ट आते हैं। समाज का निर्माण होता है, समाज के लिए काम होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर थे टी कृष्णमाचार्य, बजट बनाने में उनसे कोई एक सूचना लीक हो, फिरोज गांधी ने वो मुद्दा उठाया संसद, उनके दामाद थे, कांग्रेसी थे, बहस हुई, प्रमाणित हुआ, टी कृष्णमाचार्य ने इस्तीफा दिया। एक और उदाहरण लीजिए नेहरू, एक बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे शंकर, किसी बात से नाराज होके, नेहरू की किसी बात से नाराज होके, किसी नीति से नाराज होके नेहरू का
गधे के रूप में कार्टून बना देखते पड़े। आप देखिए नेहरू की बात, नेहरू जी फोन करते हैं शंकर कि शंकर जी आप शाम की चाय आप एक गधे के साथ पीना पसंद करेंगे। वो आए चाय पी और आप देखिए कि उस कार्टून की न चर्चा शंकर ने की न नेहरू ने की। तो कहने का मतलब यह है कि हमने वो काल देखा है जिसमें बोलने वालों को इतना सम्मान दिया जाता था, इतना आदर दिया जाता था, मांग की जाती थी कि सवाल कीजिए सवाल कीजिए। देखिए सवाल नहीं करेंगे तो जो लोकतंत्र हमने अपनाया है और मैं अपना मानना है कि शासन पद्धति में स्वस्थ लोकतंत्र से अच्छी शासन पद्धति नहीं हो सकती, भले ही विकास धीमे गति से, पर लोकतंत्र जैसे शासन। तो अगर लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र क्योंकि अमर्त्य सेन का एक वाक्य है कि लोकतंत्र का सीधा नाता है वाद संवाद से, वाद संवाद नहीं है तो लोकतंत्र। अभी अभी की हाल ही की बात है, किसी पत्रकार ने एक राज्य में एक व्यक्ति को नमक के साथ रोटी खाते हुए दिखा दिए, बच्चों के स्कूल मिड डे मील उस पत्रकार को अंदर ये लोकतंत्र, जबकि वो सच्चाई। एक और अभी की बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, एनपी में कुछ पत्रकारों ने शासन के खिलाफ लिखा, पुलिस वालों ने पुलिस स्टेशन पे बुलाकर सारे 8-10 पत्रकारों को केवल कच्चे में है ना उगल बैठक लगाई, फोटो की पुलिस वाल वो वायरल हो गया, पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं। कार्यवाही किसके खिलाफ हुई? जिसने ये फोटो वायरल की उसको गिरफ्तार। तो देखिए वही बात आती है हिटलर वाली बात कि भाई कम्युनिस्ट था, अभी तो कम्युनिस्टों को घेरा है, अभी तो पूंजीपतियों को घेरा है, अभी तो दूसरे प्रांतों को घेरा है, अभी मेरा नंबर नहीं है। तो नंबर अगर नहीं बोलेंगे तो नंबर सबका। तो मेरा तो कहना यही है कि लोकतंत्र को अगर रखना है तो बोलना जरूरी है। यहां पर जो है एक कविता, दो चार लाइनें हैं उनको सुना दूं मैं, क्योंकि ज्यादातर तो आजकल उलझा दिया मंदिर मस्जिदों में है ना, बस इसके अलावा बात करोगे आप बेरोजगारी की, अर्थव्यवस्था की, महंगाई की, तो या तो आप देशद्रोही हो या पाकिस्तान परस्त हो या फिर और भी ज्यादा हो तो हिंदू विरोधी है। तो बहुत अच्छी कविता लिखी है, मंदिर मस्जिद पर ही है, हालांकि सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है, पर इस तरह से लेना देना इसलिए है कि अगर बोलेंगे नहीं तो यही हाल। सवाल वो है, सवाल ये किसने ने लिखी है, देखिए, मंदिर से पहले मस्जिद थी, मस्जिद से पहले मंदिर था, उस मंदिर से पहले क्या था, एक खेत था शायद, धान का होगा या गेहूं का, सबकी भूख से रिश्ता था, भूख का कोई मजहब नहीं है, वो खेत कब का जब्त हुआ, उस खेत के लिए कौन लड़ेगा। खेत से भी पहले क्या था, अल्लाह राम के नाम से पहले काबा काशी धाम से पहले, राम राम सलाम से पहले शायद घना एक जंगल था, जंगल में सब मंगल था,
आदम अभी आदमी नहीं था, उसे आग लगानी नहीं आती थी, आग का कोई मजहब नहीं है, वो जंगल जलकर राख हुआ, उस जंगल के लिए कौन लड़ेगा, उस जंगल के लिए कौन लड़ेगा। जंगल से भी पहले क्या था, सांप सांप करता कहकशा था, हरसूं सिर्फ धुआं धुआं सा था, तू कहां था मैं कहां था, ना कोई हिंदू ना मुसलमान था, ना किसी का नामो निशा था, बे नामो निशा का कोई मजहब नहीं था, वो कहकशा अब देरो भरम हुआ, कहकशा के लिए कौन लड़ेगा, कहकशा के लिए कौन लड़ेगा। देखिए इससे तो अच्छा था कि अभी आपने कहा कि भाई सामंती थे और बोलते नहीं थे, ऐसा नहीं है। मुगल सम्राट मुगल काल में भी देखिए अकबर सभी धर्मों वाले धर्मावलियों को बुलाकर धर्म की चर्चा करता था, खुलापन था, ऐसा नहीं है। बहुत बहस मुबाई से हुआ करते थे, तभी ये वो जो है उदार था, लोकतंत्र जो भी है, एक उन्नत जीवन, एक स्वतंत्रता जो मनुष्य का एक नैसर्गिक अधिकार है वो उसको जीता। तो अगर वही जीना है तो प्रश्न करना सीखना है, प्रश्न करना है चाहे नदी दे। धन्यवाद। संवाद
पहले तो उसमें बहुत पुरानी कविता का एक वो आया रामधारी सिंह दिनकर जो तटस्थ है जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी आभार। तो हम ये करीब 6-7 दशक पुरानी कविता होती है और आज जो हमारे समाज की स्थिति है वो उसी तटस्थता का परिणाम लोग खेल रहे हैं वो दंश के रूप में। तो ये सवालों की जो संस्कृति है ये तो हमें महत्वपूर्ण हमें सहज और सम्मानजनक और जीवन के लिए हमारी स्वतंत्रता के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम सवाल करते रहें अपनी परिस्थितियों का अध्ययन करते रहें और उसमें जो हर मनुष्य का प्रतिरोध करें और वो प्रतिरोध वो सवाल खड़े करते रहें तभी कोई सही रास्ता निकलने का वो है अवसर। इसलिए आज का बहुत सार्थक विषय ये है लेकिन मेरी ये अपील है कि ये तो हमें सवाल करने की संस्कृति है इसको विकसित करना चाहिए और वो किस तरीके से विकसित हो हम में से प्रत्येक जहां भी है वहां उसको देखें और उसको पहला वो ये कि हर गलत बात का कहीं किसी की भी हो माँ की हो बाप की हो गुरु की हो समाज की हो पड़ोस की हो तो हर गलत का प्रतिरोध सार्थक प्रतिरोध करने के जिस दिन आप ध्यान लेंगे उस दिन ये स्थितियां बदलने लगेंगे और वो सवाल सबसे पहले खुद से करना होगा तो उन चीजों को समझ के क्या सही है और क्या गलत है वो समझने के लिए खुद से हमें सवाल करना होना चाहिए खुद से सवाल करना है क्या फिर ये है वो वही बात तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। विज्ञान खाली पढ़ लेने से कुछ नहीं तो विज्ञान ने सारी चीज कितनी यहाँ पढ़ी अभी मूल भाई जब बोल रहे थे तो मैं इतना मुतासर था मुझे मेरा बाजली का शेर याद आया क्या है वो धूप में लो घटाओं में नहा कर मनोरंजन क्या है किताबों को हटा तो ये जो ज्ञान का स्रोत है ये किताबें नहीं ये दुनिया है वो किताबें भी इसी समाज से लेते हुए विचारों की वो पैदाइश है या संगम है तो वो मूल चीज क्या है मूल चीज हमारी सोच है। तो हमें हमेशा तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करते हुए और ये सवालों की परंपरा कायम करनी होगी इसको मजबूत करना होगा तभी हम कुछ स्थितियों को बदलने में समर्थ हो पाएंगे। तो ये मेरे अपील है लोगों से बहुत साफ समस्या आप इसको सोचिए और फिर और निरंतरता क्या करेगी क्यों जा रही है बाहर
हत्या करना चाहती है, तो मैं मेरे मन में यही बोलती हूँ जो मैं भंगूंगी जो मैं करूंगी और एक दिन सबके सामने करूंगी। क्वेश्चन ऐसे पूछे जो किसी को किसी को मतलब अंदर का जो डर होता है वो डर ही नहीं बना रहे, डर खत्म हो। के सब बात में सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि इसमें वो बच्चे बैठे हुए हैं हमारी संघ बरोबर की संख्या में जिनके लिए बहुत जरूरी है जो हम सब बात करते हैं। सवालों की संस्कृति पर खूब बातें हो रही है, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें कही, कुछ बातें इतनी अच्छी थी जिनके बारे में हमने भी नहीं सोचा, बहुत अच्छा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठता है आज के परिप्रेक्ष्य, ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं हो रहे, सवाल तो हो रहे हैं, चाहे वो जातिगत हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे आस्था को लेकर हो, चाहे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हो, सवाल तो खूब हो रहे हैं। प्रश्न यह है कि क्या सब वो सारे सवाल सवालों के लिए सवाल हो रहे हैं, क्या सिर्फ विरोध के लिए विरोध हो रहा है, क्या कर रहे हैं? आज जो हम देखते हैं आपस में बटा हुआ अपने आप को, क्या वो आज के सवाल जो पनप रहे हैं हम देखते हैं जिनको हम जीते हैं, जिनकी जिनके जकड़न में हम जिंदा हैं, क्या वो ऐसे सवालों का ही एक फल है जिसे हम भोग रहे हैं? तो प्रश्न ये उठता है कि सवाल ही हो तो कैसा हो, सवाल तो होना जरूरी है लेकिन वो सवाल कैसे हो। बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई बात, लेकिन ये तो व्यक्तिगत हो गया, उसका लड़की होना हमारे समाज का जो एक जेंडर को लेकर जो सोच है अभी तक उसकी पढ़नी थी कि बच्चे को ऐसा सोचना पड़ रहा। लेकिन क्या सवाल करने से पहले भी हमें कुछ सोचना चाहिए? सवाल करना ठीक है, एक तरह से आपका मौलिक अधिकार भी है, अभिव्यक्ति मतलब अधिकार है, लेकिन सवाल करने से पहले आपको भी कुछ सोचना पड़ेगा। आप सवाल कीजिए कि वो सवाल जैसे जैन साहब ने अभी कहा, ठाकुर साहब ने कहा कि उसमें आपका तर्क होना चाहिए कि वो सवाल कितना तार्किक है, कितना तर्कसंगत है, या आप ऐसे ही सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए सवाल पैदा करते हैं। तो उपस्थिति दर्ज करने के लिए सवाल मत पूछिए, आप सवाल कीजिए सवाल के विरोध में पूरी तार्किकता से उससे हल पूछिए, उसका जवाब मांगिए, तो आपके सवाल की सार्थकता होगी। अन्यथा वही होगा कि सवाल के जवाब में सवाल ही आ जाएगा या आपको चुप करा दिया जाएगा और आप उस स्थिति में ही होंगे कि आप मौन रह जाएं, चुप रह जाएं, विरोध ना कर सके और जो सवाल की जो हम बात कर रहे हैं वो मर जाए। तो बहुत जरूरी है इस पीढ़ी से भी मैं कहूंगा कि बेशक सवाल करना सीखिए, अपनी बात कहना सीखिए, आप जहां भी है अपनी बात कहिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा ठहर के ये सोच लीजिए कि आप किसी घेरे में कैद होकर तो बात नहीं कर रहे, किसी एक विशेष विचारधारा के बीच में कैद होकर तो बात नहीं कर रहे, क्योंकि आजकल जो हमारा जो परिप्रेक्ष्य है वो इन्हीं बातों से घिरा हुआ है, ये कौन है, ये हिंदूवादी है, ये कौन है, मुस्लिमवादी है, ये कौन है, गांधीवादी है, ये कौन है, अंबेडकरवादी है, इन वादों ने घेर रखा है, ये कौन है, कांग्रेसी है, ये कौन है, भारतीय जनता पार्टी, हम उन घेरों से निकल ही नहीं पाते हैं और उसी में ही अपनी बात सिद्ध करने की कोशिश करते हैं।
अपना दृष्टिकोण सोच का व्यापक बढ़ाना ही पड़ेगा। जब तक आप सोच को नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप सार्थक प्रश्न भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, सभी बच्चों से, मेरे साथियों से भी आग्रह है कि सवाल तो बेशक आए लेकिन वो आपके संग आपकी पारदर्शी सोच के साथ, इतने ही। अपेक्षा होती है तो वो कहां से वो अपेक्षा पैदा होती है? तो वो अपेक्षा पैदा होती है हमारे संविधान से। हमारे संविधान में एक नागरिक होने के नाते हमको बहुत सारे अधिकार, बहुत सारे कर्तव्य, बहुत सारी चीजें दे रखी है। हमारे संविधान में उसको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो अगर समाज में कोई अन्याय हो रहा है तो मेरे को लगता है कि हमारे जो संविधान है की पूर्ति नहीं हुई। वहां जो जिस तरीके से अधिकार हमको दे रखे हैं वो एक हमको एक दायरा देता है, हमारा सोचने, समझने, सवाल उठाने का एक दायरा। वैसे क्लासरूम में अगर देखें तो जो हमारी पुस्तक है क्लासरूम में, बच्चों के साथ वो अपेक्षा रहती है कि भाई ये इस पुस्तक में जो चीजें दे रखी है लगभग इस तरह की चीजें होती है। और जो हमारा बार बार अभी यहाँ बात जो चल रही है पारिवारिक कल्चर है ना, उसकी तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ही इसमें। कैसे हम सवालों को प्रोत्साहित करें, कैसे वो पूरे सवाल उठाना हमारे विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे समाज को सुंदर बनाने के लिए। और इसी वजह से इस मुद्दे पर विमर्श रखा गया और आगे भी इसी इस तरह के मुद्दे पर विमर्श रखा गया। सब और आप कुछ बात साथियों, आप सब लोगों की बातें सुनने के बाद मेरे मन में जो सवाल लगा और मुझे ये कि क्या सवाल करने से पहले मुझे या जो भी सवाल करने वाला है उसको सवाल करने की तैयारी करनी चाहिए। या सवाल जो है वो कई बार स्वतः स्फूर्त अपने आप पैदा होता है, जैसा कि अभी ये किस्सा सुना रहा था तो बच्चे का और जो धार्मिक व्यक्ति है उनका सवाल में से सवाल पैदा हो। दिक्कत यह है कि कई बार हमारे पास उन सवालों के जवाब नहीं, क्योंकि हमने चीजों को उतने वस्तुवादी ढंग से, उतने वैज्ञानिक ढंग से, उतने तार्किक ढंग से समझने की कोशिश की नहीं। अगर हमारे पास में किसी भी विषय के बारे में एक सुसंगत समझ हो, वैज्ञानिक ढंग से हमने उस चीज को समझा हो, तो निश्चित रूप से हम जो हमसे सवाल करने वाले को संतुष्ट करने कर सकते और करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं होता है कि
आप जो कुछ कहें उससे सामने वाला संतुष्ट हो, आपसे सहमत हो, लेकिन उसकी असहमति में भी कहीं कहीं पर इस बात की सहमति होती है कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो बात अपनी जगह पर सही है, अपनी जगह, वो उसको माने या न माने वो उसका अपना पक्ष है, वो उसकी अपनी वैचारिक स्वतंत्रता है। लेकिन वही बात वाल्टेयर ने जो बात कही कि मैं आपके विचारों से सहमत हूं या नहीं, लेकिन आपको विचार प्रकट करने का जो अधिकार है, विचार प्रकट करने की जो स्वतंत्रता है, मैं उसका सम्मान करता हूं, मैं उसकी रक्षा करता हूं। तो ये जो सवालों की संस्कृति है, ये सवालों की संस्कृति एक तरह से आपकी वो जो विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है उसका भी सम्मान करता है, और हमें ये स्वतंत्रता सबको देनी चाहिए। दुर्भाग्य से आजकल जो है वो हमारे यहां पर इस तरह के लोग हैं जिनका सोच बहुत ओछा और संकीर्ण है कि वो सवाल करने को निजी विरोध मान करके चलने लगे, जबकि सवाल निजी विरोध नहीं होता, सवाल व्यक्ति का नहीं होता है, सवाल विरोध व्यक्ति का नहीं किया जाता है, विरोध उस व्यक्ति की सोच का होगा या उस व्यक्ति की प्रवृत्ति का होगा या उस व्यक्ति की कार्य पद्धति का होगा, व्यक्ति का सोच विरोध थोड़े ही, मुझे राम से क्या विरोध हो सकता है, मुझे श्याम से क्या विरोध हो सकता है, वो तो मेरी शत्रुता है, वो विरोध नहीं है। जबकि विचार के स्तर पर जो है, अगर मैं सवाल करता हूं या कोई भी व्यक्ति सवाल करता है तो वो उस व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहा है, वो उस व्यक्ति की सोच का विरोध कर रहा है, उसके उसके काम करने के तरीके का विरोध कर रहा है, और ये स्वतंत्रता उसके पास में है, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद।